हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपने इंग्लिश का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंस। ठीक है, हम पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी लर्न विद संजीव सिडाना चैनल पे डाल दी गई है, अपलोड हो चुकी है, आप उसको बार बार देख रही है। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट में कीजिए। थैंक यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंस। ठीक है, जिसे अपने टाइम से भी डिनोट करते हैं। ठीक, किसे टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? टाइम से भी डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये टॉपिक अपना क्या कहलाएगा? टाइम एंड टेंस। देखिए, टेंस के यूज से हम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी में सेंटेंसेज कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरह से, हिंदी से इंग्लिश में भी और इंग्लिश से हिंदी में भी। हिंदी से इंग्लिश में भी और इंग्लिश से हिंदी में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा था इस तरह से, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इस तरह से अपने पास एक क्वेश्चन लिखा होता है। वो सारा किस पे डिपेंड होता है? टेंस पर ही डिपेंड होता है। आप सबको पता होगा वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इनका हम यहां टेंसेस में बहुत यूज करेंगे और आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला पार्ट भी साथ साथ क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी बातें भी करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं उसकी बातें भी करेंगे। उसके पहले अपने टेंस के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप सबको पता होगा ये बेसिक, आप फर्स्ट क्लास से या फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो, नाम सभी ने सुना होगा। जैसे हिंदी में अपने क्या कहते हैं? काल या समय। अगर हिंदी में बात करें तो सबको पता है, जैसे मैं अब जस्ट बात करूं तो मैं कैसे प्रेजेंट टेंस में बात करूं, जो अभी 10 मिनट पहले हमारा कंप्लीट हो चुका है वो क्या था? पास्ट टेंस। अभी जो तुरंत होगा वो किस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। तो अपने जस्ट बात करते हैं, अब अपने किस में बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस में काम कर रहे हैं। जो काम हम तुरंत कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो सारा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, और जो अभी जस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है वो किस में गया? पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। जो आगे होगा वो किस में होगा? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो याद रखना टेंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड क्या होता है? फ्यूचर टेंस। आप जो शुरू से बुक्स में पढ़ते आ रहे हो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वही बातें होती हैं। फिर इसको आगे देखिए, प्रेजेंट टेंस को अपने बोलते हैं वर्तमान काल। नेक्स्ट बात करेंगे पास्ट की, इसे बोलेंगे अपने भूतकाल। इसको अपने बोलते हैं भविष्य काल। अपने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया? टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके बाद इनके भी आगे चार चार पार्ट्स हो जाते हैं। अपने प्रेजेंट टेंस से ही करते हैं फर्स्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट इसका रहेगा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कह देते हैं। नेक्स्ट, जिसे अपने कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसे अपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह देते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह देते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। देखो, पहले हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद इनके आगे चार चार पार्ट्स और बन रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनको अपने एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। और देखो, इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार पार्ट बनते हैं। पहला क्या बनेगा? पास्ट सिंपल टेंस,
या आपने इसे क्या बोलेंगे, पास्ट इनडेफिनेट टेंस भी कह सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट पे देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद फोर्थ की बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। इसी तरह से अपने बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जिसे अपने हिंदी में भविष्य भविष्य काल कहते हैं। इसके भी चार पार्ट्स हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, सिर्फ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर चेंज हो रहे हैं, बाकी भाई यहाँ पे भी सिंपल, यहाँ भी सिंपल, यहाँ कंटिन्यूस, यहाँ भी कंटिन्यूस, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से यहां देखिए थर्ड पे पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर देखिए नेक्स्ट पे अपना फोर्थ पार्ट क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपने को यहां क्या मिला, रिपीट कर रहा हूं मैं, टेंस की बात कर रहे हैं इसे अपने टाइम से डिनोट करेंगे। ठीक है, टाइम हम तीन प्रकार का कह सकते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। ठीक है, सारा किस पे चलेगा, वर्ब्स पे चलता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस ही आ सकता है, यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वहां विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये अपने वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। यहां देखिए इनके फिर चार चार पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी से प्रेजेंट टेंस में देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां भी देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इनके भी आगे चार चार पार्ट्स बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्लियर करता हूं आपको, तो इसके चार पार्ट्स, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर इंटरोगेटिव, और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद इसका यूज कहां करते हैं एडवर्ब के अंदर, हैबिचुअल एक्शंस में, यूनिवर्सल ट्रुथ में, वो वन बाय वन अपने स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आप इसको बस स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने अभी टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, अब देखिए आगे। मैंने आपको बताया था टेंस तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर उनके हमने चार चार पार्ट्स में कन्वर्ट किया। अब देखो अपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का मींस वर्तमान समय, क्या हो जाएगा वर्तमान समय। प्रेजेंट टेंस हमेशा किसकी बात करेगा, वर्तमान समय की बात करेगा। फिर इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट अपना था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। अपने पॉइंट टू पॉइंट और सॉल्ट में अच्छी बातें करेंगे, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। तो क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फिर अपने इसके काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेंथ का हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे एलडीसी का हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। आगे देखिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इसकी पहचान का पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमें इसकी पहचान का पता होना चाहिए, जिसके लास्ट में आप सबने बुक्स में भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा, नॉर्मल बातें सबको पता है, जिसके ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है। देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है,
ते है, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपने पहले हिंदी में, फिर वन बाय वन का रोल कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है सभी करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे मैंने हिंदी में, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, लास्ट में क्या है, ता हूं, ते है, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल मिला हमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल लेते हैं, फूल बसंत में खिलते हैं, फूल बसंत में खिलते हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, और एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा सा, संध्या टीवी देखती है, तो क्या है, ता है, ते है, ती है, ऐसे सब जहां हमें दिखाई दे रहे हैं वो कौन से एग्जांपल होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, और थोड़ी बातें समझते हैं इसके अंदर, याद रखना जब अपनी इसको कन्वर्ट करेंगे चार प्रकार से करेंगे। फर्स्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड अपने इसमें बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, फिर अपने थर्ड बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, फिर नेक्स्ट बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव की, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, हमें ऐसे सब दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फूल बसंत में खिलते हैं, संध्या टीवी देखती है, कुछ भी अपने बोल सकते हैं लास्ट में। फिर उसके हम चार पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कुछ यहाँ पे बातें याद रखना, हम आमतौर पर हैबिचुअल एक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीजों के साथ किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कुछ और भी बहुत सी चीजें आती हैं, एटसेट लगा देता हूं, वो अपने आगे स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स करेंगे ना, जब उसमें वन बाय वन में आपको क्लियर करता जाऊंगा। और बात करते हैं यहां, ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने जनरली, ये सब हमें मिलते हैं, यूजुअली, एवरी डे, एटसेट्रा, ऐसे शब्द हमें सेंटेंसेस में दिखने को मिलते हैं। तो हमें कौन सा एग्जाम्पल मिलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल होता है। कुछ और बातें करते हैं, नोट लगा के लिखना आप लोग, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बातें आपको बता रहा हूं बिल्कुल जीरो से, ठीक है, ये मान के चलो प्री क्लास के है, जीरो टू हीरो टेंस की एक क्लास है। तो नोट लगा के लिखना है, फर्स्ट नोट क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट होता है अपने पास, ठीक है, क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, याद रखना सभी। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो
सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अगर ये बातें अपने को क्लियर होगी तो वर्ब लगाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि याद रखना है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दोनों में से एक लगानी होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर में जैसे ही, सी, इट, याद रखना ही, सी, इट या कोई नेम, ही, सी, इट या कोई भी नेम किसी बॉय का, गर्ल का, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, कहने का मतलब एक वचन संज्ञा होते हैं, ठीक है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखना, ठीक है। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहां लिख रहा हूं मैं अलग से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इस चीज को याद रखना आप। अब बात करते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, ही सी इट या कोई नेम के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। उसी तरह से आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही सी इट या सिंगुलर वर्ब आएगी, इनके साथ क्या कहें, आई, वी, यू, दे, प्लूरल। अब देखो प्लूरल वर्ब होती क्या है और सिंगुलर वर्ब क्या होती है। देखिए प्लूरल वर्ब क्या होती है, इसकी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो नंबर पे लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप सबने पढ़ी होगी, जैसे एग्जांपल से बात करेंगे, प्ले, सभी ने देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, रीच, ठीक है, ईट, गो, पास, एटसेट्रा, काफी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी ने पढ़ी है, ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल वर्ब ही कहलाती है। ठीक है, याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, रीच, ईट, गो, पास, अटैक, एब्यूज, बहुत सी वर्ब्स होती हैं, सिंग, ये सभी क्या कहलाती है, प्लूरल वर्ब ही कहलाती है। यदि हम प्लूरल वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर दें, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा दें, एस या ईएस लगा दें, तो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। पर फिर समझिए, यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे प्ले के साथ मैं एस लगा दूं, प्लेज, ठीक है, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब बन चुकी है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे देखते हैं। देखिए अपने क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनकी बातें कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लियो वो सभी ने, अपने आगे बात करते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, रीच, ईट, गो, पास, ये क्या कहलाती है, प्लूरल वर्ब कहलाती है। मैं आपको एक चीज और कमेंट करता हूँ, देखो कुछ बच्चों को डाउट रहता है, देखो एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, आगे बढ़ने से पहले अपने बेसिक बातें बिल्कुल जीरो से करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक होता है सिंगुलर वर्ब, दोनों में डिफरेंस समझना, अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, इसे अपने दोनों लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये नाउन, ये भी क्या हो जाएगा फिर अपना नाउन। दूसरा अपना क्या होता है, प्लूरल वर्ब, ऐसे तो बोलते हैं अपने, अपने सभी क्या ऐसे तो बोलते हैं आज तक। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, अलग बात होगी, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, दोनों में क्या हो गया डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है याद रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे मैंने लिखा चेयर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है अपने पास, एस एस लगा रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं मैं चेयर्स, ये क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। देखो ऐसे याद करना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, जैसे मैंने लिखा चेयर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, चेयर्स के साथ अपना क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट, थोड़ा और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ही, ठीक है, एक लिख रहा हूं दे, ये भी क्या अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या अपना प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब देखिए ही के साथ मैंने लगाया, ही के साथ गोज, यहां लिख रहा हूं मैं गो, समझ रहे हो, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है सिंगुलर वर्ब है और ये क्या है प्लूरल वर्ब है। मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप सबको पता है गो, वेंट और गोन, गो, वेंट और गोन, इस तरह से चलते हैं अपने,
ये क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो हम लिख चुके हैं। प्लूरल वर्ब हमेशा वर्ब की, एक बार फिर लिख देता हूं मैं यहां, प्लूरल वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो हमें क्या मिला, प्लूरल सब्जेक्ट मिला था, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसी तरह से ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, उसके साथ ईएस लगा दिया, तो ये क्या बन चुका है, सिंगुलर वर्ब बन चुकी है। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, डिफरेंस समझते हैं। अब बात करते हैं कि ईएस किन किस के साथ लगता है, भी याद रखना, इन ईएस किन किन के साथ लगता है। तो यहाँ पे ये नोट लगा के वो लिखना तीन नंबर पे, ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ओ दिखाई दे, आपको ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ओ, जिनके लास्ट में ओ हो, एस एच हो, सी एच ओ, डबल एस ओ, याद रखना ओ एस एच सी एच डबल एस, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में ओ, ऐसी क्रियाएं जिनके लास्ट में ओ एस एच सी एच एस एस, याद भी कर सकते हो ओ एस एस सी एच एस एस एक्स, ठीक है, ये शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, ओ एस एच सी एच एस एस एक्स, ऐसे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके लास्ट में हम किसका यूज करते हैं, ई एस लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है, याद रखना। एक बार फिर देखिए, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ एस एच सी एच एस एस एक्स, ऐसे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे गो था, जी ओ गो, गो के साथ हमने क्या किया, ई एस लगा दिया, तो क्या बन गई, अब सिंगुलर वर्ब बन गई है। तो हमने क्या किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ ई एस लगा के सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। वो देखते हैं, जैसे पास, पी ए डबल एस, पी ए डबल एस, पी ए के साथ डबल एस है, ठीक है, तो हम किसका यूज कर देंगे, यहाँ पे पासेज का यूज कर देते हैं। अब जिनके लास्ट में ये शब्द नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वहां हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एस लगा देते हैं। दो चीजें थी ना अपने, क्या यूज करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका यूज करते हैं, एस एस, ई एस की तो बात कर चुके हैं हम। अब देखो फोर्थ में देखते हैं, जिनके लास्ट में ये सभी शब्द ओ एस एच सी एच एस एस एक्स नहीं आते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में ये सभी शब्द, ये सभी शब्द कौन से, तीन नंबर में जो लिखे हैं, नहीं आते हैं, वहां हम एस लगा देते हैं, और वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है। इनके लास्ट में हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे प्ले, प्ले के साथ क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो क्या बन गई, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। उसी तरह रीच, अब देखो सी एच है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, रीचेज, आप सबने देखा होगा टीच, इसके लास्ट में सी एच है, तो क्या बन जाएगा, ये टीचेज। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप आज तक पढ़ते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे बोलते हो ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है, और उसके साथ हम ये वर्ड यूज करते हैं, ई एस एस या जो भी एस या एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, अपनी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अपने इसके आगे कंसेप्ट वाइज आगे करते हैं।